नमस्कार किशन भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी लोग अच्छे होंगे। आज स्पेशली हम बात करने वाले हैं जिन किसान भाइयों ने सब्जी वरी की फसलें लगा रखी हैं और उन फसलों में दोस्तों आपको जो चाहिए वो चाहिए फूल फल भरपूर मात्रा में आपको उस फसल के अंदर आपको लेना होता है। और बहुत सारे किसान भाई हमारे जो टॉनिक के रूप में बहुत सारे टॉनिक आते हैं मार्केट में, उनका इस्तेमाल करते हैं फल फूल ज़्यादा मात्रा में बढ़ाने के लिए दोस्तों। तो स्पेशली जो आज मैं अगर बात करूं तो एक ऐसे बम्पर और वर्ल्ड के नंबर वन टॉनिक के बारे में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। वो आपको किस विधि द्वारा इस्तेमाल करना है और उसकी डोज क्या होने वाली है, उसकी कॉस्ट क्या होने वाली है और उसमें लगाते समय आपको क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिए। मैं हूं प्रवीण राजपूत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द टेक्निकल किसान। दोस्तों यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बराबर में जो घंटे का निशान दे रखा है उस पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे खेती से रिलेटेड नई नई जानकारी रेगुलर देखने को मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं किशन भाई। देखो होता क्या है, अगर मैं टॉनिक की बात करूँ तो आज मैं जिस टॉनिक के बारे में आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करना चाह रहा हूँ वो टॉनिक वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी का टॉनिक आता है और किस विधि द्वारा दोस्तों आपका उसका जो इस्तेमाल आपको करना है वो किस विधि द्वारा लगाना है आपको और किन किन फसलों में दोस्तों आपको उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक ईशावियन टॉनिक के बारे में। अगर मैं इसकी विस्तार में बात करूँ तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि किन किन फसलों के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो टॉनिक है सजेंटा कंपनी का आता है और सजेंटा कंपनी की बात करूं तो ये वर्ल्ड वाइड नंबर वन कंपनी आती है जो कि 90 देशों से अधिक देशों में ये कंपनी कार्य करती है। उसी कंपनी का ये ईशावियन टॉनिक आता है, ठीक है ना। अब इसकी बात कर लेते हैं आप इसे किस किस फसल में और कितनी मात्रा में लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं अगर बात करूं इसकी कोई सी, अगर जितनी भी आपकी सब्जी वर्ग की फसलें होती हैं या कंद वाली फसलें होती हैं या अनाज वर्ग की फसलें होती हैं, आप प्रत्येक फसल के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी जो डोज होने वाली है वो होने वाली है आपकी 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 500 ml आपको 200 लीटर पानी के साथ मिला के बढ़िया से फोलियर स्प्रे भी आप इसका कर सकते हैं। अगर आप इसका जमीन के माध्यम से भी डालना चाहते हैं तो आप इसे जमीन में यूरिया वगैरह मिला के उसमें भी आप छट्टे मार सकते हैं, उसके माध्यम से भी आप दोनों तरीके से इसको आप अपनी फसल के अंदर लगा सकते हैं। ये फोलियर स्प्रे में चला जाएगा और पानी के माध्यम से भी या किसी खाद में मिला के आप अपने खेत के अंदर इसे डाल सकते हैं। ये दोनों तरीके से काम करता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये जो है क्या क्या काम करेगा, सही है ना। बहुत सारे किसान भाई हैं जितनी भी हमारी सब्जी वर्गीय फसलें लगाते हैं वो फार्मर ज़्यादातर इस टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपने फसल के अंदर जब वो फ्लावरिंग अवस्था होनी स्टार्ट हो जाए या फ्लावर कम हो, यानी फूल आपकी फसल के अंदर कम फल फूल हो रहा हो, उस टाइम आप 50 ml पर टंकी के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर दीजिए, यानी 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी फसल के अंदर इसका डाल दो। अब इसकी थोड़ी डिटेल अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है दोस्तों। ईशावियन को क्या विशिष्ट बनाता है, यह दुनिया का सबसे शुद्ध और प्राकृतिक मूल के अमीनो एसिड का सबसे केंद्रित उत्पाद है। ईशावियन फसलों को ओलावृष्टि, फाइटोटॉक्सिसिटी, परजीवियों और बीमारियों, सूखे आदि से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है। इसे लगाने पर यह पौधे द्वारा तुरंत अवशोषित कर लिया जाता है। ईशावियन में अद्वितीय अमीनो एसिड होते हैं जिनकी पौधे की उपज क्षमता को अधिकतम करने में विशिष्ट भूमिका होती है। फल वर्गीय फसलों पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है दोस्तों सब्जी वर्गीय फसलों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप इसे सब्जी वर्गीय फसलों में जैसे कि टमाटर हो गया आपका, बैंगन हो गया, गोभी हो गई और भी जितनी भी सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं उन सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन सभी में दोस्तों जो डोज रहने वाली है वो 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उन फसलों में लगानी है, ठीक है ना, कर सकते हैं। अब आपको सावधानी क्या बरतनी है, आपको इसके साथ आपको क्या लेना है और किसके साथ ये बढ़िया से मतलब शिफ्ट हो जाता है, किस किस चीज़ के साथ आप इसका मिला के स्प्रे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ आप इंसेक्टीसाइड, जितने भी इंसेक्टीसाइड आते हैं उनके साथ आप इसका मिला के बढ़िया से आप स्प्रे इसका कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो फंगीसाइड दवाएं आती हैं हमारी उनके साथ भी दोस्तों आप इसका मिश्रण बना के आप इसका इस्तेमाल अपनी फसल के अंदर कर सकते हैं। लेकिन
आपको जो सावधानी बरतनी है ना, वो सावधानी ये बरतनी है आपको, सल्फर के साथ आपको इसका घोल बना के आपको स्प्रे नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना कि सल्फर के साथ आप इसका इस्तेमाल न करें। आपने देखा होगा बहुत सारे किशन भाइयों ने मेरे पास कमेंट की थी, हमें एक ऐसे ही टॉनिक के बारे में बताइए कि जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का टॉनिक हो। तो दोस्तों मैंने उसी को आधार पे और अभी मैं जितने प्लॉटों पे विजिट कर रहा हूँ, अगर मैं मिर्च की बात करूँ तो दोस्तों बहुत सारे प्लॉट हैं जो 30-35 दिन की अवस्था में आ चुके हैं और उनपे फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है, यानी हल्की फुल्की फ्लावरिंग होनी उनपे स्टार्ट हो चुकी है। आप उस फसल के अंदर आप ईशावन टॉनिक का स्प्रे कर दीजिए, आपको बम्पर मात्रा में फ्लावरिंग दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। जितना ज़्यादा आपकी फसल के अंदर फूल आएगा उतनी मात्रा में दोस्तों आपको पैदावार मिलेगी, ठीक है ना। तो मैंने आपकी ये तो बात रही दोस्तों ईशावन की। आप अपनी फसल के अंदर ईशावन का आप बेखटक बेझक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात रहती है दोस्तों कि इसके रेट की अगर मैं बात करूँ तो ये नॉर्मली आपको जो एक एकड़ खेत के अंदर आपका जो खर्चा आने वाला है वो नॉर्मली 600 रुपए के लगभग आने वाला है, यानी एक एकड़ खेत के अंदर आपकी जो हो जाएगी वो 500 ml जाएगी। और 500 ml की जो रेट की बात करूँ तो नॉर्मली 600 रुपए के समथिंग, 10-20 रुपए हर मार्केट में लगभग अप डाउन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली आप एक 600 रुपए का एवरेज आप मान सकते हैं, जो कि 600 रुपए प्रति एकड़ हिसाब से आपका ये कॉस्ट आने वाली है आपकी, सही है ना। अब बात आती है दोस्तों ये कई बार हम अपनी फसल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपको जब भी आपकी फसल के अंदर फल फूल या फूल बनना कम हो रहा हो उसी टाइम दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसल के अंदर, सही है ना। तो ये रही दोस्तों ईशावन के बारे में जानकारी। अगर जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान साथी। We do it.